यार साद, आज वट्टू नजर नहीं आ रहा। पता नहीं यार, कहीं मसरूफ होगा। यार उमर मुहर्रम आ गया ना, वो वहीं छमलियां मार रहा होगा। ये लोग भी अजीब हैं, मुहर्रम आते ही छमलियां मारना शुरू कर देते। यार क्या हो गया तुम दोनों को, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? अच्छा यार, मैं सोच रहा था मुहर्रम की छुट्टियों में कहीं घूमने फिरने चले जाएं, माहौल चेंज होगा तो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। हाँ यार क्यों नहीं, जल्दी से बनाओ कोई प्लान। और हाँ साथ, तेरा क्या सीन है? तुम लोगों ने जो करना है कर लो, मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ। क्यों साथ? बस मैं जा रहा हूँ। उमर साथ को क्या हुआ? पता नहीं यार, चलो हम भी चलते हैं, कल मिलते हैं। सुना वट्टू, कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू सुना, तू कैसा है? मैं ठीक, कल तो आया नहीं, हम तीनों तेरा इंतजार करके चले गए। यार साथ, तुझे पता तो है मुहर्रम शुरू हो गया है, कल मैं जुलूस में गया था और 10 दिन मैं मसरूफ ही रहूँगा। अच्छा वट्टू, एक बात तो बता, कल तुमने सारी नमाजें पढ़ी थी? यार जुलूस में जाने की वजह से मेरी 2 नमाजें रह गई। ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या इस तरह होता है मुहर्रम के एहतराम? वो लोग घूमने का सोच रहे हैं और ये लोग, क्या इमाम हुसैन ने हमें यही सबक दिया था? साथ क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। चलो फिर कल मिलते हैं। ओके। मोमिन यार, मुझे लगता है कि साथ कहीं शिया हो गया। हाँ यार, कल देखा तो था कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा था। देखो यार, साथ भी आ गया। हाँ साथ, फिर क्या सोचा घूमने फिरने का? यार तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें पता भी है मुहर्रम में क्या हुआ था? इसमें नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था और तुम मौके घूमने फिरने का प्लान कर रहे हो। हाँ साथ, तू सही कह रहा है, हमें मुहर्रम के महीने में इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है यार, ये प्लान हम कैंसिल करते हैं, हम तो भूल ही गए थे मुहर्रम का एहतराम, फिर कभी बनाएंगे। अच्छा यार, कल वट्टू आएगा तो तुम दोनों ने उससे तमीज़ से बात करनी है। साथ बात सुन, अगर वट्टू आ रहा है तो हम नहीं आएंगे। मोमिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, तुम लोगों का वहाँ आना ज़रूरी है, मैंने तुम तीनों से कुछ बात करनी है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ साथ, बोलो क्या बात करनी है? मुझे एक बात बताओ, क्या मुहर्रम का एहतराम यही है कि हम घूमने फिरने चले जाएं? और वट्टू तुम, क्या हम मुहर्रम के एहतराम में इतने मगन हो जाएं कि अपनी नमाजें भूल जाएं? नहीं यार, इमाम हुसैन पाक ने सजदे में सर कटाकर हमें यही पैगाम दिया कि नमाज किसी भी हालत में छोड़ी नहीं जा सकती। हम इमाम हुसैन के नाम पर रो भी लेते हैं, हम इमाम हुसैन के नाम पर मातम भी कर लेते हैं, लेकिन जो काम इमाम हुसैन ने किया वो करने के लिए हम तैयार नहीं। साथ हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें शिया सुन्नी वाले लफ्ज़ से निकलना होगा, इमाम हुसैन हम सब के हैं। और दूसरा, हमें मुत्तहिद होकर जो काम इमाम हुसैन ने किए हमें वो करने चाहिए। साथ कैसे काम? वक्त के यजीद से इनकार करना और हक़ की खातिर लड़ना और पूरे के पूरे दीन पर अमल पैरा होना। साथ भाई, आज से हम सब अहद करते हैं कि आज के बाद हम सब वही करेंगे जिसका पैगाम हज़रत इमाम हुसैन ने दिया। साथ बहुत शुक्रिया, तूने हमें अच्छे तरीके से गाइड किया और हम इन बातों पर अमल करेंगे। तुम लोगों को मेरी बात समझ आ गई है ना? बस यही काफ़ी है, अब तुम लोगों का भी ये फ़र्ज बनता है इस बात को लोगों तक पहुँचाएँ। साथ भाई बिल्कुल पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा मैसेज अच्छा लगा होगा। इंसान ख़ता का पुतला है, गलती सबसे हो जाती है। अगर इस वीडियो में कोई भी हमसे गलती सरज़द हो गई हो तो हमें खुदा की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। मैं इस शेर के साथ इख्तिताम करूँगा, हुसैन मेरा हुसैन तेरा, हुसैन इनका हुसैन उनका, हुसैन सब का हुसैन रब का, वो खुशकियों का समंदरों का, हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया ना होती, खुदा के घर में अजान ना होती। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सकता है आपका शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। अल्लाह हाफिज़।